वो शायद काफी संघर्ष करना पड़ा उस तरह की पब्लिसिटी के लिए। तो इस अगर आपके कर्मशी में हम उन चीजों को ढूंढे जो बात आपने अभी कहा, उनको आपने सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया कर्मशी? कर्मशी ये मेरी आत्मकथा है, केवल आत्मकथा के रूप में मेरी किताब को नहीं देखता, मैं एक दिशा हूँ समाज में किस प्रकार से रौंदा हुआ पिसा हुआ इंसान उठकर खड़ा होता है, हाँ दलितों पर इस प्रकार के एट्रोसिटीज होते हैं और घिनौनी एट्रोसिटीज होते हैं, उसका उदाहरण अक्करवासी है। अक्करवासी एक सामाजिक अन्याय के खिलाफ बोलने वाली कलाकृति है। पूरा दलित साहित्य की ओर हम देखें तो पूरा दलित साहित्य सामाजिक क्रांति का साहित्य है और अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाला साहित्य है। अक्करवासी इस किताब में मैंने मेरी निजी जिंदगी व्यक्त की है। मैंने अभी आपसे बात कही कि मैंने आत्मकथा क्यों लिखी, कि लोग कहते हैं कि कहाँ छुआछूत है, ये व्यवस्था बदल गई है, अभी एट्रोसिटीज नहीं है, फिर मैंने कविता लिखी तो बोलेंगे कविता झूठी है, ये आप सही दिशा में नहीं लिख रहे हैं, मैं स्टोरी लिखूंगा तो बोलेंगे ऐसा कहाँ होता है, आप स्टोरी गलत लिख रहे हैं। इसलिए आत्मकथा लिखा मैंने कि इसको झूठ नहीं साबित कर सकते, ये सोशो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है और रियल डॉक्यूमेंट है। आत्मकथा का जड़ सत्य होता है, आत्मकथा सत्य होती है और उसमें असत्य आएगा तो आत्मकथा नहीं रहती है। पूरी दलितों की आत्मकथा नैरेटिव्स ये वास्तविकता का यथार्थ का और सत्य का उजागर करने वाली कलाकृतियां हैं और लोगों के सामने पाठकों के सामने हम रखना चाहते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार दुर्व्यवहार दलितों के साथ होता है, किस प्रकार का अन्याय अत्याचार दलितों के साथ होता है और किस प्रकार का शोषण होता है, ये हम आत्मकथा के जरिए बोल रहे हैं। आत्मकथा केवल किताब नहीं है, वो हमारा बयान है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आत्मकथा एक बयान है जिसमें कि आप वास्तविकता को बिल्कुल सामने लाकर खड़े करते हैं, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं कर सकते ये झूठ है बोलकर कि मैं जीवित पात्र हूं ना, कि मैं जीवित हूं, मैं मेरा ये माँ है, मेरा ये बाप है, ये व्यवस्था है, मेरे साथ ये अन्याय अत्याचार हुआ है, मैं बोल रहा हूँ और वो मैं प्रिंट करके हाथ में दे रहा हूँ, आप चैलेंज कर सकते हैं गलत है, हाँ वो मगर चैलेंज नहीं किया। दलितों की आत्मकथा, पूरी आत्मकथा, सभी दलित लेखकों की आत्मकथा उनकी निजी जीवनी जितनी है उतनी ही सामाजिक कहानी भी है।